Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome you all in HR Journalist 15 Functions. Yes, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं HR Journalist क्या काम करता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ये हमने देखा था फर्स्ट सेशन में जिसमें मैंने आपको बताए थे उसके कुछ 15 functions. और उसके बाद से अब ये सीरीज चल रही है हर एक फंक्शन को इलेबोरेट करके बताने की. यस, मैं हर एक फंक्शन को पिक करके जितने भी 15 functions हैं का आपको एक सेपरेट सेशन दे रही हूँ. एक सेशन आ चुका है, फर्स्ट सेशन, जो था हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट पे. होप सो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, उसको जरूर देख लीजिए जिससे कि आपको फर्स्ट फंक्शन पता चल जाए. और आज बारी है सेकंड फंक्शन की स्पेशली डिमांड पे और वो है पेरोल प्रोसेसिंग. ज्यादा डिले ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ पेरोल प्रोसेसिंग के बारे में. लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही सारे फंक्शंस आपके पास आएंगे और बहुत सारे एचआर रिलेटेड वीडियोस हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरोल प्रोसेस. और सबसे पहले जान लेते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि पेरोल क्या होता है. पेरोल एक ऐसी लिस्ट है जिसमें एक अमाउंट होती है, टोटल सम होता है, टोटल अमाउंट कह सकते हैं आप, एम्प्लॉय वाइज, जो एक एम्प्लॉयर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को पे करने वाली होती है. मींस जो हमें उससे पे करना है, राइट. ये एक ऐसी लिस्ट है, पेरोल उसको बोलते हैं. नाउ पेरोल प्रोसेसिंग क्या है, इसके लिए जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये अमाउंट निकलेगा, ये खाली सैलरी नहीं है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस, डिडक्शंस, टैक्सेस वगैरह का कैलकुलेशन करके तब ये अमाउंट निकलेगा, तब वो लिस्टिंग बनेगी, उसको प्रोसेस करने को हम बोलते हैं पेरोल प्रोसेसिंग, राइट. अब कह रही कोई ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, लेकिन हम समझेंगे इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में. और मैंने इसको डिवाइड कर दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए तीन स्टेजेस में या तीन स्टेप्स में. नाउ आपको ये कहीं स्टेजेस या स्टेप्स नहीं मिलेंगे, ये मैंने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाए हैं जिससे कि ये समझने इजी हो जाए, राइट. लेकिन हाँ, जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ वो इसी तरीके से प्रोसेस हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन पेरोल प्रोसेसिंग जो होती है वो ऐसे ही होती है. नाउ एक अगेन चीज मैं बता रही हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, बहुत सारी कैलकुलेशन करके नहीं, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लैरिटी दूंगी कि पेरोल प्रोसेसिंग क्या क्या है और कैसे कैसे होता है. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट पेरोल प्रोसेसिंग में, जैसे कि मैंने बोला कि तीन स्टेप्स में मैं बताने वाली हूँ, तो थ्री स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा प्लानिंग स्टेज, सेकेंड जो है वो है हमारा मिडिल स्टेज, एंड थर्ड है हमारा फाइनल स्टेज, फुल एंड फाइनल. ओके, सो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहली आती है हमारी प्लानिंग स्टेज. नाउ प्लानिंग स्टेज में सबसे पहली चीज आएगी पॉलिसीज फॉर्मुलेशन. सिंपल सी बात है, हमें जो अमाउंट पे करनी है जो कि खाली सैलरी नहीं है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस इंक्लूडेड हैं जो हमें एम्प्लॉय को पे करने हैं, बीइंग एन एम्प्लॉयर, उसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज पहले से बनानी होंगी. नाउ इमेजिन करके देखिए, आपने काम किया 25 days में से 23 days, राइट, एक मंथ में, और आपकी जो सैलरी बनकर आई, हॉलीडेज इंक्लूड मत कीजिए, सैलरी जो बनकर आई वो आ गई 20 days की. अरे किसने कहां से काट दिए ये डेज, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिना पॉलिसीज बताए और आप जब पूछने गए तो उन्होंने कहा कि ये मैंने ऐसे ऐसे करके कर दिया, कुछ ऐसे ही बिना किसी पॉलिसी के, तो क्या आप उसे एग्री करेंगे? कभी नहीं करेंगे. ये छोटा सा एग्जांपल था, मेरा कहने का मीनिंग बस सिर्फ इतना है कि पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी जरूरी है जिसमें आएंगी लीव पॉलिसीज, अटेंडेंस पॉलिसी, कंपनसेशन पॉलिसीज, पे पॉलिसीज, मतलब जो भी आपका पेमेंट बनेगा वो किस बेसिस पे बन रहा है, क्या आर्ज हैं, क्या लीव्स काउंट होंगे, सारी चीजें उसकी एक पॉलिसी होगी जो आपको पहले ही बता दी जाएगी, राइट. सो प्लानिंग स्टेज में सबसे पहली चीज आ गई पॉलिसीज फॉर्मुलेशन, राइट. नाउ सेकंड चीज क्या है, चूजिंग पेरोल शेड्यूल. अब शेड्यूल क्या, आप मंथली भी पे कर सकते हैं, सेमी मंथली भी पे कर सकते हैं, बाई वीकली भी पे कर सकते हैं, वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, बहुत सारे वर्कर्स डेली पेड होते हैं. ओके, सो ये जो पेमेंट का शेड्यूल है वर्कर्स के अकॉर्डिंग और सेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ये आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, राइट. और ये ईच ईयर डिसाइड हो जाता है स्टार्ट ऑफ द ईयर में, ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में चेंज करते रहेंगे, लाइक एक महीने आज ये चला लिया, दो महीने बाद ये चला लिया, एक हफ्ते के लिए ये चला लिया, ऐसा नहीं है. जो आप
सेटल करेंगे, जो आप चूज करेंगे डे वन स्टार्ट ऑफ द ईयर में, वो पूरे ईयर रहेगा. ओके, नाउ सेकेंड आता है कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन. जिन एम्प्लॉयज का पेरोल बना रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तो लेनी जरूरी है, राइट? सो वहां आएगी हमारी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन और इसमें बन जाएंगी हमारी लिस्टिंग्स, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का वर्क लोकेशन, एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर, उसके कुछ टैक्स फॉर्म्स होते हैं, वो सारे मीन्स कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं, कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो हमें एम्प्लॉय से फिल कराने पड़ते हैं. न्यू एम्प्लॉय है तो उसके केस में अलग है, जो ओल्ड एम्प्लॉयज है उनका अलग तरीके से केस बनता है, राइट? सो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम वहां से कलेक्ट कर लेंगे. तो ये ओवर हो गई हमारी प्लानिंग स्टेज, राइट? नाउ सेकंड आ जाएगी हमारी पेरोल मिडिल स्टेज, और इसमें सबसे पहली चीज आएगी कैलकुलेशन ऑफ डेज और आवर्स. अगर हमारे जो वर्कर्स है वो आवरली रेट से काम करते हैं हमारे पास, मीन्स बहुत सारी लेबर है जिनको हम पर डे आवर्स के अकॉर्डिंग पे करते हैं, तो हमें वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे. जो डेज या मंथली के अकॉर्डिंग है उनके वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लीव मैनेजमेंट पॉलिसीज, अटेंडेंस मैनेजमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी, राइट? नाउ डेज एंड आवर्स कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा स्टेप आएगा सेकेंड स्टेज में ही, सेकेंड पॉइंट, वो है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस पे और ग्रॉस सैलरी. नाउ ग्रॉस पे और ग्रॉस सैलरी क्या है, छोटा सा बता देती हूँ, ऐसे बहुत डीप हो जाएगा. ग्रॉस सैलरी इंक्लूड्स आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अलाउंसेस, मींस एचआरए के अलावा जो हमारे अदर अलाउंसेस हैं, प्लस आपके कोई भी रीइंबर्समेंट्स हुए, देन बोनस हुआ, राइट? सो ये सारी चीजें इंक्लूड करके आपकी ग्रॉस पे और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होती है. जो हमारा आवरली है तो उसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स बैठेंगे इनटू जो हमारा आवर्स का रेट है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा ग्रॉस पे आ जाएगा आवर के केस में. और जो हमारे मंथली है उसमें मैंने आपको बताई दिया कि ग्रॉस पे या ग्रॉस सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, राइट? नेक्स्ट इसी में थर्ड पॉइंट आएगा, मींस जो हमारा सेकंड पॉइंट चल रहा है मिडिल स्टेज पेरोल मिडिल स्टेज का, इसमें थर्ड पॉइंट आएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट पे. नाउ ग्रॉस पे हमारी निकल गई, उसमें से हमें क्या करना है जो हमारा नेट पे आ जाए. ग्रॉस और नेट तो कुछ ना कुछ तो बीच में करना है, वो कैसे आएगा? ग्रॉस पे माइनस कुछ डिडक्शंस जो हमें दे देगा नेट पे. नाउ ये डिडक्शंस कौन सी हैं? ये डिडक्शंस हैं हमारी ईपीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, राइट? ये डिडक्शंस हम उसमें से लेस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी नेट पे. ओके, मैं कोई भी एग्जांपल लेके अमाउंट्स नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपके फॉर्मूलेज यही सब रहेंगे. अगर आप कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी पूछना चाहते हैं किसी पॉइंट पे तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. अगर मैं माइन्यूट रुक रुक के हर चीज के एग्जांपल्स देने लगी तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाएगा. आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर आंसर करूंगी उसका. ओके, मैं यहाँ पे एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा पेरोल प्रोसेस ऐसे बताना चाहती हूँ जैसे आपको ये ध्यान रहे कि मुझे स्टार्ट से एंड तक क्या करना है. ओके, किस किस स्टेजेस में करना है. ये माइन्यूट कैलकुलेशंस इतनी बड़ी नहीं है, ऑल्दो आजकल सब एक्सेल या सॉफ्टवेयर्स में होती हैं, तो बस आपको कुछ फॉर्मूलेस लगाने होते हैं, बहुत इजीली बन जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. लेकिन आपको ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि किस चीज के बाद हमें क्या क्या करना है और ये सब चीजें कैसे कैसे होती हैं, राइट? तो ये हो गई हमारी मिडिल स्टेज जिसमें हमने क्या क्या चीजें देख ली थी. सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिए थे अपने डेज या फिर हमारे आवर्स, उसके बाद हमने ग्रॉस पे कैलकुलेट कर लिया एंड देन हमने नेट पे कैलकुलेट कर लिया. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड स्टेज जिसको मैं बोल रही हूँ फाइनल स्टेज या फुल एंड फाइनल स्टेज. नाउ इस फाइनल स्टेज में भी हम तीन चीजें देखेंगे, फर्स्ट इज पेमेंट, सेकंड इज रिटर्न्स एंड थर्ड इज हमारी इंटरनल रिपोर्ट्स. तो सबसे पहले फर्स्ट हमें करना है पेमेंट. पेमेंट किस किस को करना है? एम्प्लॉय को और हमारे टैक्सेस के लिए. यस, हमारे जो ड्यूज बनते हैं वो एम्प्लॉय को जो पेमेंट करना है वो नॉर्मली बैंक ट्रांसफर ही होता है. बैंक ट्रांसफर कैसे होता है? हमारे पास एक लिस्टिंग होती है जिसमें एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, उसका सैलरी स्ट्रक्चर, उसकी जितनी सैलरी बनती है वो सारी डिटेल होती है, जो मतलब इस मंथ हमें उसके अकाउंट में क्रेडिट करवानी है बैंक के थ्रू. वो हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं प्लस बैंक अकाउंट उसका, उसकी वो डिटेल्स, जिससे बहुत आसानी से डायरेक्ट उसके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाए. ओके, और वो जाती है हमारी बैंक ट्रांसफर के थ्रू, मीन्स वो लिस्ट चली जाती है हमारे जो भी डेडिकेटेड एक बैंक है जिसमें हमने सारे एम्प्लॉयज का अकाउंट खुलवाया हुआ है. नॉर्मली यही प्रोसेस होता है, एक ही बैंक चूज किया जाता है जिसमें सारे एम्प्लॉयज के अकाउंट्स होते हैं
और वहां से ये ट्रांसफर हो जाती है सारे डिडक्शंस के बाद, मीन्स जो हमारे टैक्सेशन है उसको हमने डिडक्ट कर लिया और जो अमाउंट फाइनल बनता है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में चला जाता है. ओके, दूसरा पेमेंट जो हमारे टैक्सेस का बनता है वो हमें पे करना है, जैसे कि पीएफ है, ईएसआई है, टीडीएस है, राइट. उन सब का हमने पहले ही अमाउंट निकाल रखा है, वो भी हमें पे करना जरूरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमारी रिटर्न्स. रिटर्न्स कौन सी, जो हमारी स्टैट्यूटरी रिटर्न्स है वो कौन कौन सी है, पीएफ की, ईएसआई की, टीडीएस की, और भी कोई रिटर्न्स हो सकती हैं. आपकी इंडस्ट्री पे कोई भी चीज अगर ऐसी एप्लीकेबल होती है जिसमें आपको स्पेशल कोई रिटर्न्स फाइल करनी है रिलेटेड टू दिस, तो वो भी हो सकती है. ओके, सो ये हो गई हमारी रिटर्न्स. एंड थर्ड आ जाता है हमारा इंटरनल रिपोर्ट्स. इंटरनल रिपोर्ट्स में आ जाएंगी हमारी जो ये कंप्लीट रिपोर्ट एम्प्लॉय की बनेगी, इसमें कितनी कितनी सैलरी कहाँ ट्रांसफर हुई, इसकी एक रिपोर्ट बनेगी और ये जाएगी हमारी फाइनेंस के पास. और यही अकाउंटिंग प्रोसीजर भी है कि अकाउंटिंग एंट्रीज भी होंगी. ओके, सो ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पेरोल प्रोसेस बता दिया. आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा. ये तीन स्टेजेस मैंने इसलिए डिवाइड करी जैसे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हम कहाँ कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड करते हैं. ओके, बीच में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं या आपको क्वेरी भी हो सकती है, तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी. या फिर आप ये चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कोई और सेपरेट वीडियो बनाऊं, पीएफ पे, ईएसआई पे, या किसी भी चीज पे, ऐसी कोई भी चीज जहां आपको पेरोल में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं वो सेपरेट सेशन वहां पर बना सकती हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है. ये मेरी साइड से डन है. अगर मैंने कुछ मिस किया है तो जरूर मेंशन करें, मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी रेडी टू गेट अपडेट की तरह. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जरूर चेक करके जाइएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हो सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. बाय बाय.